नमस्कार। किस्से और कहानियाँ, बातें और पहेलियाँ, सुनने सुनाने, पढ़ने पढ़ाने, बातें समझदारी की, खबरें दुनियादारी की, मनोरंजन के रंग सब रंग के संग। हमारी आज की कहानी है लक्ष्मण की। लक्ष्मण जो एक जवान समझदार लड़का है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़ रहे लक्ष्मण के कई अरमान हैं, कई सपने हैं। सपने जो वो अपनी मेहनत, लगन और पढ़ाई से सच करना चाहता है। पर अचानक लक्ष्मण की जिंदगी में भूचाल आता है, उसकी शादी तय हो जाती है। ग्रह नक्षत्र, जन्म कुंडली, पंडित, पिता, माँ और भाभी सभी इस शुभ मिलन के लिए राजी हैं। पर लक्ष्मण, क्या वो शादी के लिए तैयार है? क्या न चाहते हुए भी वो ये शादी करेगा? क्या वो अपने माँ बाप की बात मानकर पढ़ना लिखना छोड़ देगा? क्या लक्ष्मण की शादी होगी? इन सब बातों को जानने के लिए देखते हैं सुनो सुनाए। पर पिताजी, क्या पर आ रहा है? हम भी देखते हैं कैसे नहीं करेगा तू शादी। लेकिन अम्मा। अब क्या लेकिन, सारी दुनिया करती है शादी, अब तुम भी कर लो। भाई साहब आप तो समझने की कोशिश करें। कोशिश नहीं, हम अब तैयारी करेंगे। चर्चा बेटा, सूली पे राम भली करेंगे। हाँ भाभी, आप ही कुछ करिए। अब कुछ नहीं हो सकता लल्ला जी, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं अभी शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। जजमान, अब तो मैं पूरे 501 की दक्षिणा लूंगा। क्या शुभ कुंडली का जोड़ बैठा है। वाह वाह, ध्यान से देखिए पंडित जी, हमें तो लगता है हमारे ग्रहों को ग्रहण लग गया है। वाह पंडित जी, दूध लड्डू सटक गया और हमें कुछ बताया ही नहीं। जरा हमें भी तो बताइए कि ग्रह क्या कहते हैं। सूर्य, चंद्र, शनि सही स्थान पर है। लेकिन हमारा लक्ष्मण बिल्कुल गलत जगह पर है। मंगल भी शांत है। लक्ष्मण पगलाए हैं। सारे ग्रह लाइन से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार। लक्ष्मण कुछ भी लेने को तैयार नहीं। इससे ज्यादा शुभ मिलन हो ही नहीं सकता। और लक्ष्मण किसी से मिलने को ही तैयार नहीं। तो फिर शादी कर दे। शादी कर ले? अरे कैसे कर ले, शादी कर ले। अरे उसकी चिंता आप क्यों करते हैं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है जजमान। क्या जिम्मेदारी है? अरे शादी कराने की। किसकी शादी? आपके लड़के की। कौन मेरा लड़का? लक्ष्मण। लक्ष्मण शादी नहीं करेगा। क्या, पिछले आधे घंटे से हम क्या बक रहे हैं, पर आप हैं कि सुनते ही नहीं। पंडित जी, लक्ष्मण शादी नहीं कर रहा है, ये उसका आखिरी फैसला है। ये क्या कह रहे हैं आप, सारी बात तो पक्की हो चुकी है और शगुन के आप 5,000 रुपए भी तो ले चुके हैं। अरे चुप भी करिए, क्या सारी दुनिया को बताएंगे? अरे शादी तो करनी पड़ेगी भाई। करनी तो पड़ेगी, पर करेगा कौन, मैं कर लूं? अब देखिए ना कैसा बुड़बक जैसी बातें करता है। पर लक्ष्मण कहता क्या है? कहता है शादी नहीं करेगा। पर क्यों? क्योंकि उसकी उम्र कम है, लड़की नाबालिग है। हम दहेज ले रहे हैं। कम उम्र में बच्चा होने से लड़की की मौत हो सकती। शादी से पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहता हूँ और कुछ कमा लेना चाहता हूँ। 18 साल से पहले शादी करना कानूनन जुर्म है। ये सब बेकार की बातें हैं, लड़के का दिमाग खिसक गया है, शहर की हवा जो लग गई है जजमान, और कुछ नहीं। अब ये प्रौढ़ शिक्षा केंद्र क्या हमारे धर्म, रीति रिवाज, परंपरा को बदल दे? 4 अक्षर क्या पढ़ लिए बच्चों ने, हमें देने चले हैं शिक्षा? राम राम राम, घोर कलयुग, घोर कलयुग। कलयुग की लाठी है जजमान, पैर फूक फूक कर रखना पड़ेगा। और आपके साथ ये अन्याय और बदतमीजी हो रही है, इसे आप सह लेंगे? आप चुप हो तभी तो हम कुछ बोले। नहीं हो गए चुप, पर बात चुप होने की नहीं है, फिर भी चुप हो जाओ, बोलिए। लक्ष्मण की शादी होगी और भाग रहे हो लक्ष्मण? कौन? भागने से क्या मुसीबत हल हो जाएगी? भागते तो कायर हैं। क्या तुम कायर हो? तो फिर कायरों की तरह भाग क्यों रहे? क्या तुमने शादी से इनकार करके कुछ गलत किया? लक्ष्मण, इस समस्या को हल करो, मुसीबतों का सामना करना ही वीर पुरुष की पहचान है। लक्ष्मण, चुनौतियों से लड़ना सीखो, अपने माँ बाप को समझाओ, जल्दबाजी में उठाया गया कदम तुम सबको परेशानी में डाल सकता है। हाँ मैं समझाऊंगा अपने घर वालों, वो मेरी बात जरूर मानेंगे, आखिर बेटा हूं मैं उनका। अरे अरे भाभी बस, अब मन नहीं है। हाँ लल्ला जी, अब मन खाने में क्यों लगेगा भला, मन तो देवरानी जी में जाट का है।
नहीं भाभी, वो बात नहीं है। अच्छा भाभी, आपको नहीं लगता कि हमारी शादी को जल्दी जल्दी जरा अपने भैया से पूछ के देखो, जब हमारी शादी हुई थी ना तो तुम्हारे भैया तुमसे भी छोटे थे। फिर ये तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। हमें तो बस देवरानी चाहिए। हाँ भाभी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। वो अभी नाबालिग है और फिर छोटी उम्र में शादी। भाभी आपकी भी तो एक छोटी बहन थी ना। पंछी, मेरी छुटकी मिली थी मैं पंछी से शादी से पहले। दीदी तुम्हें पता है मैं अपने सेंटर की सबसे होशियार लड़की हूँ। मेरी टीचर कहती है कि पंछी तुम आगे पढ़ना और मैं खूब 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 पढ़ूंगी। अरे रे, हिल मत छुटकी, छुट्टियाँ तो कर लेने दे ठीक से। लेकिन दीदी जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। जानती हो दीदी, मैं खूब पढ़ लिख कर सेंटर में टीचर बनना चाहती हूँ और अनपढ़ लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ। क्या क्या बोलती थी पगली। तो फिर क्या हुआ भाभी? शादी के पहले साल ही वो माँ बनने वाली थी, पर उस छोटी सी उम्र में वो कहाँ सह पाती बच्चे को जन्म देने का दर्द। सब पर गई। पर लल्ला जी, सबका भाग एक जैसा तो नहीं होता ना। भाभी, क्या आप चाहती हैं कि पंछी की कहानी दोबारा दोहराई जाए? नहीं लल्ला जी, नहीं। अब पंछी नहीं मरेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। आ गए तुम? क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कुछ ढंग का पैसा जमा होता तो एक ट्रैक्टर ले लेते। खेत जुताई के लिए बार बार लोगों से बैल मांगना अच्छा नहीं लगता, और फिर जुताई का समय सब लोग अपने अपने खेत जोतने में लगे, फिर भला कोई हमें कोई क्यों बैल देने लगा। तुमसे कुछ बात कहना चाह रहे थे। क्या? कुछ खास नहीं। हाँ। हमें लक्ष्मण की शादी कुछ सोच समझ कर करनी चाहिए। क्या मतलब? अब तुम तो जानते ही हो, लक्ष्मण की जिस लड़की से शादी तय हुई है वो भी नाबालिग है, कहीं पंछी की तरह। देखो रेखा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन बाबूजी को कौन समझाए। भैया भैया, लो आप यहाँ पे बैठे हो और मैं आपके चक्कर में पूरे गाँव का चक्कर लगाया। लगता है मैं कुछ गलत समय पर आ गया। वो तो तुम हमेशा ही आते हो। बैठो अपने भैया के पास, मुझे तो भाई बहुत काम है। देखिए भैया, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या है? ऐसे नहीं, भूजो तो जाने। देख, मजाक करने का वक्त नहीं है, जल्दी बता, बहुत काम पड़ा करने के लिए। भैया ये लोन का फॉर्म है, ट्रैक्टर के लिए। ट्रैक्टर के लिए? हाँ, इससे हम ट्रैक्टर के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं। अरे वाह लक्ष्मण, भाई तू तो बहुत समझदार हो गया है। शादी का बोझ जो कंधों पर पड़ गया है भैया, समझदार तो होना ही पड़ेगा। सोचा था पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और अपनी खेती बाड़ी को और आगे लेकर जाऊंगा, लेकिन। अरे लेकिन क्या? अरे लक्ष्मण, तू नहीं जानता कि तुझे क्या लेकर आया है। अरे तूने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी चुटकी में हल कर दी। आज मैं समझा इस पढ़ाई के महत्व को। अरे लक्ष्मण, तूने तो वो किया है जो मैं इस चलन में कभी कर ही नहीं पाता। लक्ष्मण, अब हमारा भी ट्रैक्टर होगा। लक्ष्मण, हमारा भी ट्रैक्टर होगा। लक्ष्मण, हाँ भैया होगा। और हाँ लक्ष्मण, तूने अपने छोटे भाई होने की जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब मेरी बारी है। देख, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर हो ही गया है, लेकिन तेरे लिए ऐसा नहीं होगा, तू पढ़ेगा। और एक बात और, तेरी शादी रुकवाने की जिम्मेदारी भी मेरी। अरे मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, मेरे होते हुए तू काहे की चिंता करता है। सच? हाँ भैया, हम कल ही बैंक जाएंगे और लोन के बारे में बैंक वालों से बात करेंगे। और हाँ, कलम एक नहीं दो काम करेंगे, एक तो बैंक का और दूसरा तेरी शादी रुकवाने का।
चलो चौधरी, एक छोटे बेटे की शादी से निपटे ही समझो, सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। चौधरी, लगन का मुहूर्त कब निकाला है पंडित ने? आने वाले 10 दिन शुभ बता रहा है, बस लड़की वालों से राय मशवरा करके कोई भी दिन तय कर लेते हैं। शुभ काम में देरी नहीं कर दे चौधरी, काल करे सो आज कर। हाँ, राम राम काका, राम राम। हाय राघव बाबा। जीते रहो बेटे। प्रणाम काका। अरे जीते रहो लक्ष्मण बेटा, सदा खुश रहो, अब की बेर तो जम के दावत लेंगे। बाबू जी, पंडित ने शादी का मुहूर्त कौन सी तारीख का निकाला? ये आने वाले 10 दिनों में से कोई भी। और वो लेन देन की बात शादी से 2-3 दिन पहले जाके तय कर लेंगे, क्योंकि लड़की वाले शादी के बाद अंगूठा दिखाने में देर नहीं लगाते बाबूजी। लेन देन? आप दहेज की बात कर रहे हैं? भैया मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अब लड़की वाले अगर देना चाहते हैं तो इस बाबूजी, लक्ष्मण की शादी में ना हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सुना है सरकार दहेज लेने वालों के विरुद्ध है। हाँ, और वो लक्ष्मण, वो कुछ पुलिस और जेल की बात नहीं कर रहे थे क्या? हाँ भैया, अब सुंदर सिंह का भी। कौन सुंदर सिंह? अरे बाबूजी, वही जो अपने गांव के पड़ोस में रहते हैं। सुना है उन्होंने अपने लड़के की शादी में दहेज मांगा और अब जेल की सजा काट रहे हैं बाबूजी आज को। यो मनोहर चौधरी कौन है? मैं हूँ सरकार मनोहर चौधरी। तन्ना मारी गेला थाने चालना है। पर मेरा जुर्म क्या है? थारा एक नहीं, 2-2 जुर्म। पहला नाबालिग विवाह और दूसरा यो कौन? मेरा छोटा बेटा। इसने अंदर करो। लेकिन किस जुर्म में इंस्पेक्टर साहब? यो कौन? मेरा बड़ा बेटा। इसने भी अंदर करो। मैं पूछ सकती हूँ कि आप मेरे पति और ससुर को किस जुर्म में अंदर कर रहे हैं? या कौन? मेरी बहू। इसने भी अंदर करो। जो हो क्या रहा साहब? या कौन? मेरी पत्नी। इसने भी अंदर करो। पर हमारा दूसरा जुर्म तो बताइए। मन्ने बेरा पाटा, तुमने लड़की वाला बच्चा हेज मांगा है। इसने भी अंदर करो। अरे कोई पंडित को बुलाओ फौरन। अरे कोई है बाबूजी? बाबूजी क्या हुआ? क्या हुआ? कोई पंडित को बुलाओ, ये शादी रुकवाओ। ला मुझे दे माँ, अब तेरे बस की बात नहीं है। अब की बार मैं तुझे अपने साथ शहर ले जाऊंगा, वहाँ आँखों का मुफ्त इलाज होता है। अच्छा, तो अब की से हमारी बारी है। कैसी बारी माँ? वही जो एक हफ्ते से सबकी लगी हुई है। शादी ना करने की खातिर नौटंकी मचाए हो। माँ क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं बेटा, हम तो तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है। हम तो खुद ही नहीं चाहते थे कि तुम्हारी शादी हो, लेकिन अपने बाबूजी की जिद तो तुम जानते ही हो। फिर हमने भी सोचा कि शादी तो एक बार होनी ही है। वैसे बेटा, जब हमको पता चला ना कि तुम्हारे बाबूजी जो लड़की देखे हैं वो अनपढ़ है और नाबालिग है, तो हम उनसे बहुत झगड़ा किए, लेकिन वो तो जबान दे आए थे। ये सारा का सारा उसी पंडित का किया गया है। वैसे हमें भी कौन सा बहू से नौकरी करानी थी, लेकिन अगर वो आखिर भी बाँच लेती ना तो अच्छा रहता। खैर माँ, तुम तो बहुत समझदारी की बातें करने लगी हो। मैं तो कुछ और ही सोच कर आया था यहाँ पर, लेकिन लेकिन का माँ ने जादू दिखा दिया। हाँ? अच्छा, ये जादू कैसे दिखाया ये जानना चाहोगे? हाँ हाँ जरूर। तो फिर आंखें बंद करो। क्यों माँ? बंद तो करो। अच्छा हाँ, बंद रखियो। अब माँ, अब तुमने पढ़ना शुरू कर दिया? हाँ, पढ़ना भी सीख लिया और लिखना भी सीख लिया। पुलिस का डंडा, मुर्गी का अंडा, कुत्ते की पूंछ, दारा सिंह की मूंछ, का का। लक्ष्मण ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और बहुत समझदारी से अपने घर वालों को भी मना लिया, वरना दहेज के लालच में उसके पिताजी उसको एक ऐसे बंधन में बांध देते जिसके लिए ना तो वो तैयार था ना उसकी होने वाली बहू। पर शादी के लिए मना करके भी लक्ष्मण ने शादी के महत्व उसकी गरिमा को समझा और सोचने समझने से ख्याल आया ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों जो कि जवाब है आपके सवालों का। सवाल जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में सोचते जरूर हैं पर शायद पूछते नहीं। ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब है ऐसा क्यों। अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। हाँ, लेकिन खराब मौसम के भी कई फायदे हैं। फायदे कैसे? खराब मौसम को देखकर मन में कई सवाल उठते हैं। जैसे बिजली क्यों चमकती है,
तो आइए देखते हैं होता है ऐसा क्यों। चलिए एक प्रयोग करते हैं। मेरे पास ये कंघी है और कुछ कागज के टुकड़े। इस कंघी को मैं अपने बालों से थोड़ा रगड़ लेता हूं। अब जरा देखिएगा क्या होता है। लगता है रगड़ खाने से कंघी में बिजली का कुछ प्रभाव आ गया है। और यही सिद्धांत बादलों से बिजली गिरने का कारण है। मैं कुछ समझी नहीं। आप ये तो जानती होंगी कि बादल कैसे बनते हैं। जी बिल्कुल, गर्म हवा जब उठती है तो पानी और धूल के कण भी साथ में उठते हैं, ऊपर जाकर बूंदे बन जाती हैं और ये बूंदे मिलकर बादल का रूप ले लेती हैं। ये बादल जब हवा से रगड़ खाते हैं तो इनमें बिजली का प्रभाव आ जाता है जो बढ़ता जाता है। पानी और धूल के कण गर्म होके चमकने लगते हैं, यही बिजली की चमक कहलाती है। अक्सर बिजली के साथ कड़ाके की गर्जन भी होती है, ऐसा क्यों? जब बिजली गिरती है तो हवा में कणों के गर्म होने से आसपास की हवा भी गर्म हो जाती है। कितनी गर्म? लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सूरज की सतह से कई गुना ज्यादा तापमान है। हवा तो गर्म होने पर फैलती है, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्माई से हवा तो तेजी से फैलेगी। जी हाँ, इसी कारण हवा के कण आपस में टकराते हैं और बिजली गिरने पर कड़ाके की आवाज होती है। अच्छा, तो बिजली का कड़कना वास्तव में गर्म हवा के तेजी से फैलकर कणों के आपस में टकराने के कारण होता है। तो अब आप समझे कि होता है ऐसा क्यों। अब बारी है सैर सपाटे की, और आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जिसे देखने दुनिया भर से हर साल लाखों पर्यटक हमारे देश आते हैं। क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, यहाँ पत्थरों पर कविताएं लिखी हैं, वो कविताएं जो हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की गवाह हैं। कला और कल्पना के पट पर मानव रचना की ये सुंदर छाया मानो पत्थरों का गीत है। इससे पहले कि इस जगह की सुंदरता में बहकर हम संगीतकार और गीतकार हो जाएं, मेरे ख्याल से हमें निकल पड़ना चाहिए। तो हो जाए सैर सपाटा। स्थापत्य कला और अध्यात्म की एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति खजुराहो। भक्ति शिल्प और सौंदर्य का प्रतीक है खजुराहो के ये मंदिर। यहाँ के मंदिर विश्व की धरोहर के रूप में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। देश के हृदय मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है संसार प्रसिद्ध मंदिरों का ये समूह। वर्ष 950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल नरेशों द्वारा 85 मंदिरों का एक समूह बनवाया गया, जिनमें आज 22 मंदिर अच्छी अवस्था में हैं। चंदेल नरेश यशोवर्मन ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। खजुराहो की ये मूर्तियां पुनर्जागरण के सर्वोच्च और महानतम क्षणों का प्रतिबिंब है। यहाँ की स्थापत्य कला और मूर्ति कला एक दूसरे में समाहित जान पड़ते हैं। यदि हम खजुराहो को कला का महाकाव्य कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारी दुनिया से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ की शिल्प कला देखने आते हैं। चंदेल कालीन इतिहास का परिचय देते हुए ये मंदिर सचमुच वास्तुशिल्प का अनुपम और सुंदर उदाहरण है। खबरें, झलकियां, खास रिपोर्ट, मेले, आंदोलन, साक्षरता और समझदारी, इन सब के साथ अब समय है समाचार समझदार का। साक्षरता समाचार में आज पहली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से। ग्वालियर जो हमें याद दिलाता है स्वतंत्रता संग्राम की। बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदलना है, इस सोच के चलते साक्षरता के नारे और गीत ग्वालियर के चप्पे चप्पे में गूंज रहे हैं और इसका असर भी हुआ है। नव साक्षरों के पढ़ने के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए जिला साक्षरता ग्वालियर प्रदर्शनियों का आयोजन भी कर रहा है। साक्षर कर्मियों ने भी गांव-गांव में साक्षर होने की जो अलग जगाई है उसी के चलते आज जिला साक्षरता ग्वालियर ने इन्हें अक्षर सैनिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया। कारगिल के मोर्चे पर तैनात हमारे जवान भाइयों को जब अपनी निरक्षर पत्नियों के हाथ का लिखा पत्र मिला तो उनका हौसला और भी बढ़ गया। आज ग्वालियर में हमारे जवानों की ये सैनिक पत्नियां साक्षरता केंद्र में आकर पढ़ना लिखना सीख रही हैं। साक्षरता से आज ग्वालियर का हर कोना महक रहा है। अगली खबर बर्फीला रेगिस्तान कहलाए जाने वाले लद्दाख से। लद्दाख का एक गांव चिछोद योलमा, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, और आज यहां साक्षरता के स्वर गूंज रहे हैं। साक्षरता अभियान के शुरू में यहां की महिलाएं सेंटर आने में कतराती थीं,
पर आज इन्होंने केंद्र में आकर पढ़ना शुरू कर दिया है। अक्षर से इनके जीवन में बदलाव आया है, जिसका परिणाम है कि आज यहाँ 30 साक्षरता केंद्र चल रहे हैं। इन केंद्रों पर इन्हें साक्षर करने के साथ ही साथ व्यवसायिक शिक्षा भी दी जा रही है, ताकि ये नव साक्षर महिलाएं अपने आने वाले कल को सुधार सकें। साक्षरता हमें सही जानकारी देती है। आज छिछोद योकमा की ये नव साक्षर महिलाएं इस बात को समझ गई हैं। इसका उदाहरण है गांव से पॉलिथीन को खत्म करने का अभियान। अब एक नजर झलकियों पर। अजमेर के सोनियाना गांव की कांता, जिसका मानना है कि अक्षर में सचमुच बहुत ताकत होती है। कांता भी एक नव साक्षर है और आज पढ़ लिख कर उसने अपने महिला स्वयं सहायता समूह से लोन लिया, जिससे उसने ऊंट खरीदा। कांता का पति इस ऊंट के साथ दिन भर काम कर मजदूरी कमाता है, लगभग 150 रुपए से 200 रुपए तक। इसी आमदनी से कांता ने लोन चुका दिया है। आज सोनू ऊंट उनका अपना है। पढ़ने लिखने से छूटा जो वही पिछड़ जाता है, वही कभी तकलीफों से नहीं उभर पाता है। चंडीगढ़ के पास ही बसा है पंचकुला, जहाँ के बाल मजदूर बच्चों ने शायद इस कविता के अर्थ को समझ लिया और अपने दिन भर के काम के बाद स्कूल आना शुरू कर दिया। अक्षर ने आज इनके जीवन में नया रंग भरा है। अब वो ना तो किसी से पिछड़ना चाहते हैं और न ही तकलीफों में जीना। इलाहाबाद के विकास खंड शंकरगढ़ का नीबी गांव, जहां आज साक्षरता का प्रचार गांव वालों में करने के लिए गांव के साक्षर कर्मियों ने लोक संस्कृति पर आधारित लोक गीतों को अपना माध्यम चुना। इन गीतों में निरक्षरों को पढ़ने लिखने का संदेश दिया गया। आज यहाँ के साक्षरता कर्मियों ने साक्षरता अभियान को नई ऊंचाइयां दी हैं। अब पेश है हमारे विशेष संवाददाता समझदार सिंह की एक रिपोर्ट। हाय, हो, नमस्ते, पहचाना? मैं आपका स्वामी। ओ आई एम सॉरी, आई मीन टू से, मेरा मतलब है कि मैं आपका समझदार सिंह। अभी अभी इंग्लैंड से लौटा। उधर का आदमी काम में वेरी बिजी। जब मैं इंडिया आया तो सुना मुरारी हमारा दोस्त वन डे एक दिन लॉर्ड शिवा भगवान उसको दर्शन दिया। मुरारी भगवान से ग्रीन फूल हरा भरा परिवार मांगा, पर जब मैं मुरारी के घर पहुंचा तो मुरारी पागल जैसा। अरे भरतपुर लुट गया, हाय मेरी अम्मा, भरतपुर लुट गया, हाय मेरी अम्मा। हाय ओल्ड मैन, इधर हमारे दोस्त मुरारी का घर, किधर हाय? हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हाय हाय मुरारी, हम प्रभु नहीं, हम समझदार सिंह तुम्हारा दोस्त है। समझदार भैया, समझदार भैया, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए समझदार भैया। हाँ, यू मीन रॉबरी? पुलिस को खबर किया? मुरारी हमको बताओ, तुमको लॉर्ड शिवा मिलने को आया, वो देखने को कैसा? और उसके सर पे फाउंटेन, आई मीन टू से गंगा जी है, स्नैक है, और यू आर रियली चीकी चीकी। हो, तुम कुछ मांगा नहीं लॉर्ड शिवा से? मांगा। क्या? 3 शाप मांगा। शाप? हो, भस्म कर दूंगा टाइप। हाँ, वही। क्या क्या मांगा? पहला, सुंदर पत्नी। हो, यू मीन भाभी? भाभी किधर को है? हम फोटो खींचना मांगता। अब उसकी कोई जरूरत नहीं। सुशीला, वो सुशीला कह रही। क्यों, क्या हो गया है? वो तीसरे वरदान के कारण जो शाप बन गया। वो क्या? अरे समझदार भाई, मैंने बस इतना कहा कि मेरा आंगन बाल गोपाल से भर दो। हो, यू मीन रैक जैक मैक? आई एम सॉरी, आई मीन टू से चुन्नू मुन्नू पप्पू। हाय मुरारी, इधर कोई तबेला है क्या? अरे नहीं रे, अपना ही मेला है। कितना बचा है तुम्हारा मुरारी? आने वाले को मिलाकर पूरे 10। हो, 10, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे भैया, भगवान की देन तो भगवान की देन होती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाय, तुम बहुत कुछ कर सकता है मुरारी, पर भाई तन्ने अंग्रेजी समझ ना आवेगी। भाई फैमिली प्लानिंग के बहुत से तरीके हैं, गर्भ निरोधक गोलियां, नसबंदी, ये सब बातें तो तुम रोज टीवी पर देखो हो। आप अपना जीवन सुखी बना सकते हो। और हाँ, लड़का हो या लड़की, बच्ची एक ही अच्छी। मैं समझदारपुर से समझदार सिंह। अक्षर से ही ज्ञान है, अक्षर से सम्मान। बिन अक्षर के होता है सभा में अपमान। होता है अपमान, रहो दूसरे सहारे। चिट्ठी पाती खातिर भटको द्वारे द्वारे।
कहे धर्म सिंह सुनो देश के सभी निरक्षर, सुख आदर से रहना हो तो सीखो अक्षर। धर्म सिंह जी द्वारा लिखी गई ये सुंदर कविता हमें भेजी है चंद्रा ने पिथौरागढ़ उत्तरांचल से। आप ही हमें कहानियाँ, कविताएं और अपने प्रदेश में चल रहे साक्षरता अभियान के बारे में लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि ये सब हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर लें। तो हमें लिखना ना भूलिएगा। हमारा पता है सबरंग, पीओ बॉक्स 3848, नई दिल्ली 110049। हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। नमस्कार।